एक्चुअली आर द इंटरनल फोर्सेज डेवलप इन द मटेरियल ऑफ ए बीम टू बैलेंस एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेज इन ऑर्डर टू सिक्योर इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ बीम। देखिए, ये मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर में एक चीज बताई थी, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर और स्ट्रेस। तो ये हमारे पास जो है वो शेयरिंग फोर्स भी स्ट्रेस की तरह एक इंटरनल फोर्स डेवलप होता है बीम के अंदर जब हम लोग उसके ऊपर एक्सटर्नली कोई अप्लाइड फोर्स लगाते हैं। शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ बीम मे बी फाउंड समिंग ऑल द वर्टिकल फोर्सेस टू द लेफ्ट और द राइट ऑफ सेक्शन अंडर कंसिडरेशन। शेयर फोर्स हम लोग मालूम कैसे करते हैं, हम लोग सम ऑफ फोर्सेस लेते हैं वर्टिकल फोर्सेस का हमारे पास, क्योंकि बीम में है, बीम में हम लोग सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस लेते हैं तो हमारे पास शेयर फोर्स आ जाता है। बाय कन्वेंशन इंटरनल शेयरिंग फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड आर कंसिडर्ड पॉजिटिव। हमारे समझने के लिए हम लोग अक्सर जो है इन जर्नल जो शेयर फोर्स नीचे एक्ट कर रही है उनको पॉजिटिव लेते हैं, जो ऊपर एक्ट कर रही होती है उनको हम लोग जो है वो नेगेटिव कंसीडर करते हैं। देयरफॉर व्हेन रिप्रेजेंटिंग ऑफ शेयर फोर्स यू कैन ड्रा देम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, दिस इज यूजुअली इजियर फॉर साइनिंग कन्वेंशन। ये हमारे पास इजी रहता है कि अपवर्ड जो फोर्सेस हैं हमारे पास उनको नेगेटिव लें और डाउनवर्ड को जो है हम लोग पॉजिटिव लें, ये हमारे लिए इजी रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे कुछ शेयर फोर्स दिखाए गए हैं कि आपने याद रखने हैं। ये बीम हमारे पास सिंपली सपोर्टेड है, ये बीम हमारे पास जो है वो कंटिलीवर है, और ये बीम हमारे पास जो है वो कंटिलीवर है। यहाँ पे देखिए पॉइंट लोड लग रहा है जबकि यहाँ पे हमारे पास यूडीए लग रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हमारे पास शेयर फोर्स कैसे बनेगा इस सूरत में, हमारे पास सिर्फ देखिए मूवमेंट है, शेयर फोर्स कॉन्स्टेंट बनेगा, यहाँ पर भी शेयर फोर्स कॉन्स्टेंट बनेगा, यहाँ पर हमारे पास देखें कंटिलीवर के ऊपर यूडीए लग रहा है तो यहाँ पर शेयर फोर्स इस शेप का बनेगा। हमारे पास देखें एक ट्राइंगल नुमा बनेगा, इसको लीनियर का नाम दिया है इसने। मोमेंट बाद में पढ़ेंगे फिर हम लोग इसके ऊपर आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, देखें ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड है, सेम यही बीम है लेकिन हमारे पास देखें कि एक पॉइंट लोड लग रहा है मिड ऑफ द स्पेन में। तो हमारे पास दो किस्म के हमारे पास देखें आपके जो है वो रेक्टेंगल बन रहे हैं। फिर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है लेकिन उसके ऊपर जो है अपना लोड हमारे पास यूडीएल है, तो ये हमारे पास देखें क्या लग रहा है, लीनियर हमारे पास शेयर फोर्स बनेगा। अगर ये हमारे पास देखें वीडीएल है, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और ये हमारे पास पैराबोलिक शेप का इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है हमारे पास, बेंडिंग मोमेंट आर द इंटरनल मोमेंट्स डेवलप इन द मटेरियल टू बैलेंस द टेंडेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस कॉज द रोटेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बीम। बेंडिंग मोमेंट एक्चुअली हमारे पास बीम्स में बनता है ताकि उसमें जो है काउंटर कर सके उसके अंदर रोटेशन को, उसको हम लोग बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द बीम मे बी फाउंड बाय एडिंग द मोमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट और राइट, या तो लेफ्ट से शुरू करते हैं या राइट से शुरू करते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग। मोमेंट्स पॉइंट इज द लोकेशन अंडर कंसिडरेशन, जहाँ पे लोड लग रहा होता है, जहाँ हमारे पास पॉइंट है उसको हम लोग व्हाइट पॉइंट कहते हैं, वहाँ से हम लोग अपना देखते हैं। क्लॉकवाइज को हम लोग कंसीडर नेगेटिव करते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। व्हेन रिप्रेजेंटिंग द बेंडिंग मोमेंट वेरिएशंस कंसल्ट द फॉलोइंग टेबल, जो हम टेबल आगे दी हुई है जो हमारे पास शेप्स के बारे में बताएगा। ये देखिए ये हमारे पास है, ये हमारे पास मोमेंट यहाँ पर है, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला मोमेंट का जस्ट बनेगा एफ इन टू डी, और ये हमारे पास पॉजिटिव मोमेंट बनेगा जब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लोड है लास्ट में, तो यहाँ पे डब्ल्यू एल बनेगा, उसका शेप इस तरह है हमारे पास। ये हमारे पास फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं, जब हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है कंटिलीवर पे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर ओवर टू बनेगा, जब हमारे पास वेरिंग लोड है कंटिलीवर पे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर ओवर सिक्स बनेगा, जब हमारे पास एक देखें फ्री बीम है हमारे पास तो एम बनेगा, जब हमारे पास पॉइंट लोड है सिंपली सपोर्टेड के ऊपर तो डब्ल्यू एल ओवर फोर बनेगा, जब हमारे पास देखें ये लोड की डायरेक्शन चेंज है डब्ल्यू ए बी अपॉन एल बनेगा, और हमारे पास यू डी एल है, ये आपके पेपर में आया था बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में, आप इसको नोट कर लें, डब्ल्यू एल स्क्वायर ओवर एट बनेगा जब यू डी एल लोड है सिंपली सपोर्टेड के ऊपर। इसी तरह सिंपली सपोर्टेड के ऊपर अगर हमारे पास वी डी एल है तो हमारे पास जो है डब्ल्यू एल स्क्वायर ओवर ट्वेल्व बनेगा। ये हमारा लेक्चर था शेयरिंग फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के दरमियान
रिलेशन और जो है इसके क्या क्या डायग्राम्स हैं, इसके फार्मूले कौन से हैं। इन फर्दर लेक्चर्स, अपकमिंग लेक्चर्स, हम लोग मजीद जो है फार्मूलेज को स्टडी करेंगे, मजीद शेयर फोर्स और बर्निंग मोमेंट डायग्राम्स को कोशिश करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं फार्मूले, उनके बारे में स्टडी करेंगे। आई होप सो के शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है कम से कम ये आपको क्लियर हो गया होगा, और कुछ जो मैंने इस लेक्चर में आपसे शेयर की हैं कुछ चीज़ें कि कैसे बीम होता है, कैसा लोड होता है, तो उसके अगेंस्ट कैसे डायग्राम बनता है। हार्ड में ये नोट्स गिवन है, और कोई कन्फ्यूजन होगा आपको तो यू मे कंटेक्ट। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह बात होगी, मिलेंगे आपसे। थैंक यू।